ड्राइवर को भी बता देते थे चलते हुए। उन्होंने ये बताया कि कभी एक बार कार्यक्रम में जा रहे थे तो ड्राइवर उन्हें अपने रूम से ले जा रहा था, शायद आकाशवाणी जा रहे थे, तो उन्होंने बीच में तो ड्राइवर ने उन्हें कहा नहीं नहीं सर वहां तो जा मिलेगा। उन्होंने उसको फिर हल्के से डांट लगाई, कहा मैं बोल रहा हूँ इधर से चलो। फिर ड्राइवर उसी रूम के बताए रास्ते पे चला और वास्तव में उस दिन जाम नहीं मिला। दूसरी बात जो बड़ी बातचीत मुझे लगी, जो हमेशा हम लोग कहीं हर गोष्ठी में कोशिश करते हैं किसका सामंजस्य बरकरार है, परंपरा और आधुनिकता, ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी का। जैसा कि नामवर जी का, नामवर जी को जिसने भी चार फोटो में देखा हो या मैंने कई बार जेनी मिलानी को कई बार देखने का सौभाग्य मिला है, तो हमेशा कुर्ता और धोती में देखा है। मुझे लगता है नामवर जी का नाम लेते ही जो पहली छवि मस्तिष्क में आती है वो उसी आवरण के साथ आती है, और जब उनकी किताब को पढ़ते हैं तो वह आवरण और उनकी किताब में एक कोई तालमेल जो उन्होंने उन्हें नहीं देखा उनके दिमाग में तो नहीं होगा, लेकिन जो उन्होंने देखा है और पढ़ा है उनके लिए एक सामंजस्य शुरू से अंत तक चलता रहता है। और एक तीसरी बात जो बड़ी इम्पोर्टेंट मुझे लगता है, कहते हैं कि नामवर सिंह पर तब आक्षेप लगाया जा रहा है जब वह प्रतिउत्तर देने की अवस्था में